Nidhi left. Again, look here. This one. Thank you. Thank you. That's it. थैंक यू मैं कहना चाहूँगी कि इट्स अ रियली गुड एंड बिग प्लेटफॉर्म कि मैं लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकूँ अपने जो भी लोग मुझे पसंद करते हैं या लव करते हैं जो भी करते हैं आई कैन कनेक्ट विद देम आई कैन इंटरेक्ट विद देम मैं उनकी शक्ल देख सकूँ अगर मैंने उनको कोई क्राउड में देखा तो आई कैन रिकॉग्नाइज देम कि ओ दिस इज़ समवन हु जेन्युइनली लाइक्स मी हु ऑलवेज यू नो फॉलोज मी एंड ऑल ऑफ दैट तो या आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड मीडियम फॉर मी टू गेट टू नो माय फैंस बेटर हाँ तो एक्चुअली ये मेरे पास में आया ये आइडिया ये कंपनी से एस्केप एक्स तो उन्होंने वो लेके आए थे ये प्लान कि मे बी यू नो यू शुड लॉन्च एन ऐप बिकॉज आपका सोशल मीडिया अच्छा कर रहा है और बहुत ट्रैक्शन मिल रहा है उसको तो आई सेड या इट्स अ ग्रेट आइडिया एंड डेफिनेटली हमें करना चाहिए और एज अ पर्सन मैं ऐसी इंसान हूँ कि मुझे सब कुछ चाहिए ये भी चाहिए वो भी चाहिए तो आई डोंट वॉन्ट टू लेट गो ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी तो दिस वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी दैट आई डिडंट वॉन्ट टू लेट गो ऑफ जी मतलब आई थिंक आजकल तो फ़ोन सोशल मीडिया हर जगह आ गया है आपके बेडरूम के अंदर आपके पर्सनल स्पेस के अंदर तो आई थिंक थोड़ी चीज़ें काफ़ी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ एक्चुअली लेकिन जो थोड़ी सी चीज़ है वो मैं सिर्फ अपने आप के लिए रखूँगी जी एंड आई कैन हाइड आई एम गुड एट हाइडिंग स्टफ आई एम गुड एट कीपिंग सीक्रेट्स मे बी मे बी वो आप डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चलेगा जी आई लाइक इंस्टाग्राम अलॉट लेकिन अभी मेरा ऐप आने के बाद में यू नो मैं सब कुछ यूज़ करूँगी एवरी थिंग एज आई डू जो भी मैं करती हूँ लेकिन मेरे ऐप पर मैं और ज़्यादा कॉन्टेंट पोस्ट करूँगी मैं सोचूँगी नहीं कि ठीक है ये उतना अच्छा नहीं है वीडियो या ये उतना अच्छा नहीं है फ़ोटो डालने के लिए मैं बस डाल दूँगी तो आई थिंक विदाउट थिंकिंग आई जस्ट यू नो जस्ट पोस्ट व्हाटएवर आई फील लाइक या मैंने एक ट्रोल देखा था जिसमें एक इंसान ने मेरे बारे में बहुत अच्छी चीज़ बोली और नेक्स्ट लाइन में बहुत ख़राब चीज़ बोली तो मैं कंफ्यूज हो गई कि क्या है या आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस ये फ़ैन है कि ये ट्रोलर है तो आई डोंट थिंक ट्रोल्स या ट्रोलर्स रियली मैटर यू नो ये एक थोड़े लोगों के लिए एक
आई वुड थिंक मेंटल प्रॉब्लम है एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसके अंदर बहुत एक डीप कोई इश्यूज होते हैं लोगों को, बट इट्स जस्ट सैड, इट्स सैड. या बहुत और चीज़ें यार अपने टाइम के साथ में करने के लिए, पढ़ाई करो, जिम जाओ, टीवी देखो, अपनी मम्मी के साथ हेल्प करो, कुछ भी करो, ये मत करो. जी बहुत वर्कआउट मेरा जो दिन होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मेरा रूटीन है, विच आई लव. मैं बहुत पसंद है मुझे अपना रूटीन एंड आई लव वर्किंग आउट, क्योंकि एक जो स्ट्रेस होता है, एक एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, सब कुछ रिलीज़ होता है जिम में. बहुत जो गुस्सा होता है जो लोगों को नहीं निकाल सकते, वो जिम में निकल जाता है, यू नो. तो मेरे लिए जिम मुझे बहुत ही जाना पसंद है. एंड आई शेयर मैं बहुत हेल्दी टिप्स जो भी मैं खाती हूँ जिम के बाद में, जो भी मैं शेक में भी प्रोटीन प्लस दिस दैट जो भी पीती हूँ, आई विल शेयर अ लॉट ऑफ स्टफ बिकॉज आई वॉन्ट माई फॉलोअर्स टू बी वेरी फिट. नॉट फिट लाइक हेल्थी, एब्स वैब्स नहीं, हेल्थी फिट. आई थिंक अ लॉट. टाइगर में मैंने हर फिल्म में बहुत ग्रोथ देखा है, फ्रॉम हिज फर्स्ट फिल्म टू मुन्ना माइकल, और जो भी वो कर रहा है और जो भी करेगा फ्यूचर में. आई थिंक ही समवन जो हर रोज़ अपने आप पे इतना काम करता है, ही सो डिसिप्लिन्ड एंड फोकस्ड कि नथिंग कैन स्टॉप हिम एंड ही विल कीप ग्रोइंग. वो हर फिल्म के साथ में ही विल गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर. मेरी संजय लीला भंसाली, सब जो भी डायरेक्टर को पसंद है. आजकल देखा है गॉसिप बहुत चल रही है आपके बारे में. अरे मेरे बारे में क्या गॉसिप, मेरे बारे में व्हाट नॉनसेंस. उसमें एक्चुअली क्या गॉसिप, क्या स्पॉट एक्चुअली. हम लोग जो मिले थे बैंगलोर के थोड़े से फ्रेंड्स, हम लोग तीन चार लोग थे, सिर्फ दो लोग नहीं थे, लेकिन फोटोज़ में सिर्फ दो लोग आए हैं, तो इट लुक्स लाइक यू नो समथिंग, बट इट्स नथिंग. इट्स जस्ट कि आई एम फ्रॉम बैंगलोर, वो बैंगलोर से है, और जब सेम सिटी से होते हो, आप जानते हो, तो अगर एक नई सिटी में हो तो यू विल जस्ट मीट एज फ्रेंड्स. सो दैट्स इट. इट्स जस्ट बिकम लाइक दिस थिंग, बट देयर इज नथिंग. ही इज जस्ट अ फ्रेंड एंड देयर वर अदर पीपल ऑल्सो, यू नो. तो इट्स जस्ट लुकिंग लाइक दैट, बट इट्स फाइन, ऑल दिस डजंट बॉदर मी. तो सव्यसाची इज ऑलमोस्ट डन, हमने शूटिंग ऑलमोस्ट कम्प्लीट कर ली है. एंड आई थिंक इन अबाउट 2 वीक्स में अपनी नई फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ, विच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट, क्योंकि बहुत थोड़ा डिफिकल्ट कैरेक्टर है, क्योंकि बहुत सारे लाइन्स है, वो भी एक लैंग्वेज में जो मैं नहीं जानती हूँ, और बहुत पूरी फिल्म में कैरेक्टर है, मतलब यू नो, तो बहुत सारे सीन्स है. तो या इंटरेस्टिंग, बट इट्स गोना बी फन. इन हिंदी, या सो आई एम गोना बी स्टार्टिंग अ फिल्म इन हिंदी मे बी सम टाइम इन ऑगस्ट सेप्टेम्बर. सो बट आई लेट द प्रोड्यूसर्स अनाउंस माई प्रोजेक्ट्स, आई डोंट वॉन्ट टू अनाउंस देम. मेरे फैंस को तो आई वुड जस्ट से कि मेरा प्लीज़ ऐप डाउनलोड करिए, यू नो. आप मेरा एक और साइड देखोगे और ज़्यादा देखोगे मुझे, जो कि आप लोग बहुत कंप्लेन करते हो कभी कभी कि मैं जब शूट करती हूँ मैं भूल जाती हूँ फ़ोन ये वो, लेकिन आई थिंक विद द ऐप आई बी मोर एक्टिव. मैं मुझे लाइव जाना बहुत पसंद है, तो आई गो लाइव वेरी ऑफन. एंड या सो जस्ट सी, यू विल सी अ लॉट ऑफ मी. या थैंक यू.